असानिकून कैसे हैं आप लोग? अच्छा, व्हील्स ऑन स्ट्रीट अब आपको टेबल पे नज़र आएगी बैठी हुई, क्योंकि थोड़ी सी मैंने कहा मैं भी बचत प्रोग्राम शुरू करूं। सही बात है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया कि अब हर वक्त व्हील जब रोड पे होगी तो उस पर वीडियो आ जाएगी। जब घर में कुछ डिस्कस करना होगा तो मैं घर में आपसे बातें कर लिया करूँगी। आप लोग तो बड़े अच्छे हैं, आप भी इस चीज़ को करेंगे अप्रिशिएट। कि वाकई हर वक्त रोड पे तो रहना बड़ा मुश्किल हो चुका होगा ना। ये तो आप लोगों में से भी कई होंगे जो आप बैठ चुके होंगे घर में और ज़रूरत के तहत ही निकलना पड़ता है। अब आजकल स्कूल्स में छुट्टियाँ थी तो निकलने का काम इतना ज़्यादा नहीं था, तो मैंने कहा चलो मैं घर बैठे न्यूज़पेपर मैं पढ़ती हूँ रेगुलर, मुझे बड़ा शौक है न्यूज़ पढ़ने का। तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों से डिस्कस भी करती हूँ कि आजकल क्या मजाक चल रहा है। चले मैं आपको सुनाती हूँ न्यूज़, अगर आपने सुननी है। कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें न्यूज़ पढ़ने का शौक होता है ना, टाइम नहीं मिलता, तो मैंने कहा चले उनके लिए मैं ही टाइम निकाल के पढ़ लेती हूँ। तो आप सुनते जाए, मैं पढ़ती जाती हूँ। जहाँ आपको कोई बात मेरी ठीक लगती है उसको आप अप्रिशिएट करते हैं, वरना आप अपने भी कमेंट्स शेयर कर सकते हैं, भाई ऐसे नहीं ऐसे इसने कहा था या इस तरह। तो जी ये जो अखबार है मैं नवाई वक्त पढ़ती हूँ, तो उसकी मैं ना पढ़ रही थी, क्या पढ़ रही थी। अच्छा, सबसे पहली खबर तो ये थी अखबार, आपने कहना पता नहीं झूठ बोल रही है, नीचे कुछ लिख के बैठी हुई है। तो फिर ये मेरी न्यूज़ पेपर है नवाई वक्त रोज़नामा, देख ली समय पड़ता। अच्छा, इसमें महाना फ्यूल एडजस्टमेंट, बिजली की कीमत 1.83 रुपए यूनिट बढ़ने का इम्कान है। अभी बेचारों को भी ज़रूरत है और ज़्यादा बढ़ाने की ना, लोग एहतजाज कर रहे हैं, धड़ने दे रहे हैं, वो कहते हैं हमने फिर भी बढ़ानी है, अब जो मर्जी कर लें। मर्जी है भाई इनकी, अपनी बिजलियाँ तो इन्होंने कम नहीं ना करनी, गरीबों से ही। पता नहीं मैं कहती हूँ क्यों हम लोग बोलते नहीं हैं, इकट्ठे होकर अब निकलते नहीं हैं। कोई हल बता दें आप लोग कि कैसे आपस में मुतहद होकर डंडे सोटे लेके इनकी बिजलियां बंद करने निकले। इन्हें शर्म है या इनमें है ही कोई नहीं। वैसे तो आराम से लिख देते हैं लोग एहतजाज कर रहे हैं कि हमसे पहले बिल नहीं दिए जा रहे, तो वो 2 रुपये तकरीबन और बिजली हर हफ्ते बाद और 2 रुपये यूनिट महंगा। दूसरी जी क्या खबर है, लोग नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए पुरजोश हैं। ये मैं सोच रही हूँ ये कौन लोग हैं जो एक बार उसके लिए पुरजोश हैं, शायद कोई मेंटली रिटार्डेड पर्सन होंगे, कोई पागल होंगे, कोई खिसके होंगे, कुछ चले मले होंगे, या किस किस्म के लोग हैं जो इनके लिए, या मेरे जैसे होंगे जो वाकई डंडे सोटे किलो वाले तैयार किए होंगे, आए तो इसकी टिंड खोलें फिर हम। ऐसे लोग ही तैयार होंगे और कोई सेंसिबल लोग तो मुझे नहीं लगता नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए पुरजोश। अब कह कौन रहा है, उसका अपना ही लड़ वो भांजा है कि क्या भतीजा है हमजा शहबाज, फिटे मुँह तेरा। अच्छा, दूसरी और क्या खबर है जी अखबार में, दूसरा हमारे वज़ीर-ए-आला जो है लाहौर के, वो बड़े आजकल एक्टिव हुए हैं, स्पीडें मार रहे हैं, गाड़ियाँ पकड़ते हैं सरकारी प्रोटोकॉल के साथ। ये तो बड़ा ईजी होता है ना, जैसे मैं और आप गाड़ी में बैठे, आपके हाथ में वो है डंडा, आप कहीं भी चले जा सकते हैं, बस आपने अपना मुंह हिलाना होता है ना, आपकी जेब से कोई 4 आने जाने पैसे भी आवाम के, पेट्रोल भी आवाम का, गाड़ियां भी सरकारी, सारा कोई अपना एक बड़ी शोशा के साथ शूं करके इधर गए, शूं करके उधर गए, इधर का आर्डर दे दिया, उधर का दे दिया, अपनी वाह वाह करवा दी तो चलो जी, बड़ी बात है। कुछ होता हमें तो नज़र नहीं आता, पता नहीं किधर करते हैं ये लोग। अच्छा, और क्या खबरें तो बेशुमार है, मैं वो सिर्फ आपको पढ़ के सुना रही हूँ जिसमें कोई आपको भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हो। वैसे तो ये कम सिन मुलाजमा पर तशद्दुद, इंजेक्शन स्कैंडल केस, अशोबे चशम के लिए स्कूल बंद, इस तरह की तो कई खबरें हैं, मैं वो खबरें बता रही हूँ जिसमें आपको को भी ना कोई इंटरेस्ट हो। और कौन सी जी खबर थी, बाकी इस पेज पर फ्रंट पर यही है। अच्छा, बैक पर क्या है, बैक पर भी खास उस तरह की खबरें नहीं हैं जिसको मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। कराची की फ़िज़ाएँ इंतहाई मुज़रे सेहत हो गई, दुनिया में आलूदगी के अतबार से जो है वो जी पहले नंबर पे है कराची, किसी चीज़ में तो पहले नंबर पे आ गया ना। दूसरा क्या खबर है, आलूदगी रह गई हमारे लिए और तो कुछ नहीं। कोरोना से जो है मिडिल क्लास घरों के जो हैं लोग, वो बच्चे ज़्यादा वो मुतासर हुए हैं।
भाई उन बेचारों ने मुतासर होना था, और किसी ने होना था जिनके पास और कुछ प्रिकॉशन नहीं इतने ले सकते थे, उन्होंने ही होना था। ताउला ईसा हिल भी कह रहा मैं अभी जिंदा हूँ भाई, हम चलो अल्लाह को जिंदा रखे, वैसे हम क्या करें। अवामनी सरकारी अदारे अफसर बिजली चोर हैं, ये जमात इस्लामी के सराजुल हक कह रहे हैं। बड़ी जल्दी उन्होंने कह दिया, हमें तो पता ही नहीं था कौन चोर है। बाकी जी और क्या खबर है, बाकी नवाज शरीफ का मीनार पाकिस्तान पर जलसा, इलेक्शन मुहिम का आगाज़ होगा। मीनार पाकिस्तान पर जाके इन्होंने जी बंदे इकट्ठे करने हैं, उनको बिरयानी की प्लेटें खिलानी हैं, 100-100 रुपया पकड़ा देंगे तो कहेंगे आ जाओ तालियां बजाने के लिए। इस्लामाबाद में 1200 साल पुराना बरगद जिससे मजीद 9 नए दरख्तों का जन्म हुआ। बरगद का आपको दरख्त पता ही होगा कितना ह्यूज सा होता है, उसकी जड़ें कितनी फैली होती हैं, बस अल्लाह की शान है उनमें से पौधे निकल आते हैं। बाकी इस पेज पे भी कोई खास खबर उस तरह की नहीं है जो मैं आपको सुनाऊँ, दिन की खबरें हैं। अच्छा बीच में ये खबर थी मज़दूर की कम अज़ कम उजरत 32,000, उसकी आगही मुहिम जारी है। तो ये क्या आगही मुहिम है कि वज़ीर आला जो पंजाब है मोहसिन नकवी, उन्होंने उसकी मज़दूर की जो उजरत है 32,000 32,000 जो है वो मुकर्रर की है। तो जिस जो तमाम फील्ड स्टाफ और मुश्तमिल टीमें तश्कील दी हैं जो सनती व तजारती अदारों मसलन पेट्रोल पम्प्स भट्टा जात स्कूलों हस्पतालों व दीगर अदारा जा में जाके मज़दूरों को आगही दे रही हैं। इट्स मीन के जैसे अब आपके पास मेरे पास ये वर्कर काम करती है मेरी